नगर परिषद कार्यालय के सामने गुरुवार को बसपा कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर पार्टी के मधुपुर विधानसभा प्रभारी सह पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जियाउल हक ने कहा कि नियम के विपरीत मधुपुर क्षेत्र में 10% बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को हटाया जाए या आम लोगों पर बोझ है। कहा कि आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास का भुगतान नहीं होने की जाँच कराई जानी चाहिए। इस दौरान 10 वर्ष से अधूरे पेयजल योजना को अतिशीघ्र चालू करें। शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर विधायक मद से लगे खराब पड़े मास लाइट को दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी का पीएफ का पैसा खाते में जमा कराए जाने को भी मांग की। शहरी क्षेत्र में अबु आवास योजना का लाभ देने तथा संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण होने व मापी पुस्तिका सुपुर्द किए संवेदकों का भुगतान समय पर करने की मांग की। मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम देते हुए नगर परिषद अधिकारी को सौंपा। धरना देने वालों में गंगादास, संगीत दास, रियाज अंसारी, फुरकान अंसारी, शशिदास, मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। हमारा उद्देश्य जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। अभी अतिरिक्त शहरवासियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ न दवा की छिड़काव हो रही है, न यहाँ पे फॉगिंग मशीन चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में बगैर बिचौलिया और बगैर इशारे पर और बिना पैसा लिए एक व्यक्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। नगर को अबुआ आवास से नहीं जोड़ा गया है। शहर में साफ सफाई दूर दूर तक नहीं है। नगर का चुनाव नहीं होने से प्रशासन का यह मनमाना बढ़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को, शहरी जल आपूर्ति योजना जो इतना अहम चीज है, आज धरातल पर फेल हो चुका है। 4.5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने अभी तक नगर को फंडिंग नहीं दिया है। ये बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिनको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी ने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से हमने सरकार को लिखा है, महामहिम को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय नगर विकास मंत्री को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को, दोबारा अनुमंडल पदाधिकारी से हम इसको देने का ये हमने लिया है। उनको देने के बाद फिर हम नगर परिषद जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हमारा अभिवार्ता होना है। आपने जो मांग है, अगर व्यवस्था में सुधार नहीं आता तो आगे ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन चला रहेगा। हमारा फिर पद यात्रा होगा। हम हर गली मोहल्ले चौराहे को जगाएंगे और जनता का समर्थन रहा तो हम लोग टैक्स देना बंद कर देंगे।